नमस्कार दोस्तों, सेफ एक्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम लर्न सेफ्टी में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए और क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाना किसी भी कंपनी के लिए अनिवार्य होता है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और निबोश, एडवांस डिप्लोमा आदि आदि में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और किस तरह से होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कंपनी के नेचर ऑफ वर्क और कार्य कितना बड़ा है उसके हिसाब से होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कंपनी के सबसे वरिष्ठ और जवाबदेह व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी देश के कानून के अनुसार होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कार्यकर्ता प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को सभी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरेस्टेड एजेंसियों को सूचित किया जाना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड एजेंसियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। निरंतर सुधार के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को समय समय पर रिव्यू किया जाना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के हेल्थ एंड सेफ्टी की सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी की। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के क्या कंटेंट होने चाहिए। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप हमारी वेबसाइट www.safeacttv.org पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।